हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने ब्लू शर्ट भी पहनी है और ब्लू ब्लू हमारा ये धरती भी है, हमारा प्यारा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं। और रहने के लिए सबसे ज़रूरी है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे वैज्ञानिक ढूंढते रहते हैं किसी प्लैनेट में हमें पानी मिल जाए, और ऐसा पानी मिल जाए जिसका टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो, तो वाह वाह क्या बात है, फिर तो वहाँ पर हम रह सकते हैं। और वही पानी हमारे यहाँ भी ज़रूरी है। और पानी जब जरूरी है तो पानी के बारे में जानना भी जरूरी है कि हमारी धरती पे पानी कितना है और पानी किस किस रूप में इकट्ठा है और कहाँ कहाँ इकट्ठा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पानी हम देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो हम नॉर्मली देख सकते हैं किसी न किसी तरीके से उसके बारे में बात करेंगे कि पानी कहाँ है। और लास्ट में मैं आपको कुछ और भी बताऊँगा, कुछ ऐसा पानी भी है जिसे हम देख नहीं सकते, ना धरती पर है, कहीं है, वो है तो धरती से जुड़ा लेकिन कहीं है, और वो पानी हमारे जो समुद्र में पानी है उससे दो गुना ज़्यादा है। आप सोचेंगे ऐसा क्या है, तो ऐसा ही है और ऐसा ही आपको हम बताएंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लाइफ साइंस करके ठीक है एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में अगर यहाँ पे देखेंगे हाउ मच वाटर इन द अर्थ क्रस्ट, तो हमारे धरती के क्रस्ट में कितना पानी है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें आपको लगता है कि पीने वाली पानी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है इसे हम इसको पढ़ के हम समझ जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिसर्च हुआ है। अब रिसर्च होने से पहले दोस्तों समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। पहला कि कुछ चीज़ें समझना यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे मिलियन का मतलब होता है 10 लाख का होता है, 1 मिलियन का मतलब, और यहाँ पे क्यूबिक किलोमीटर का क्या मतलब होता है। क्यूबिक किलोमीटर का मतलब होता है जैसे मैं एक बॉक्स लूँ छोटा सा। अब मान लीजिए कि ये 1 इंच का बॉक्स है, 1 इंच का बॉक्स है, 1 इंच का बॉक्स है, यानी कि 1 क्यूबिक इंच बॉक्स है ये, ठीक है, क्योंकि क्यूब है। अब मान लीजिए मुझे इसको किलोमीटर में बदलना हो, तो अगर किलोमीटर में बदलना हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 किलोमीटर चलेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 किलोमीटर की, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूबिक किलोमीटर ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बॉक्स रहेगा यहाँ पे, तो 1 क्यूबिक किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा बॉक्स यहाँ पे है। ठीक, ये हमें बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो रिसर्च हुआ था वो रिसर्च किसने किया है, ग्रैंड फर्गसन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटहोम करके यूनिवर्सिटी है, यहाँ के रिसर्चर थे ये, लगातार रिसर्च कर रहे थे। दो रिसर्च दोस्तों हुई है, 2015 में भी हुआ था और 2021 में हुआ था। तो 2021 में रिसर्च हुआ था वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था, जियो फिजिकल रिसर्च लेटर 2021। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऐसे रिसर्च जर्नल में पब्लिश होता है नेचर में इन सब में, तो काफ़ी इम्पैक्ट फैक्टर इनका काफ़ी तगड़ा होता है, यानी कि जो रिसर्च है काफ़ी वैल्यूड रिसर्च है, काफ़ी रियल रिसर्च है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, जितनी हमारी ज़मीनें हैं, लैंड है धरती पर, अर्थ पे हमारे, उसका 3 गुना ज़्यादा पानी फैला हुआ है हमारी पूरी धरती पे, ओशियन में, अंटार्कटिका में, हर जगह, यहाँ तक हमारे अर्थ क्रस्ट का भी मिला लें तो ये सब फैला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वैज्ञानिक है इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पानी है वो कितना है। ठीक है, वो कितना है, वो है लगभग, यहाँ देखेंगे अगर आप, लगभग 44 ठीक है मिलियन किलो क्यूबिक किलोमीटर के आसपास ये पूरा पानी है। ठीक है, ये तो बात हो गई पूरे की। अभी हम क्रस्ट के अंदर भी जाएंगे और वहां पे समझेंगे वहां पे कितना पानी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये देखें कि ये पानी और जो बाहर की तरफ है वो कितना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अंटार्कटिका है, जो अंटार्कटिका की आइस है वो कितना है, 27 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका आधे के आसपास है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वहां पर कितना है, 3 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, थोड़ा बाहर कितना, थोड़ा आउटसाइड कितना है, 1.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और अब अगर ओशियन की बात करें कि ओशियन में कितना पानी है, तो ओशियन का जो पानी है वो कितना है, 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास ये पानी है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पानी है वो कितना है, 1.3 बिलियन क्यूबिक, यानी कि अगर हम क्रस्ट का मिला दें, ठीक है, अंटार्कटिका का मिला दें यहाँ पे, ठीक है, ये सब भी मिला दें, उसका डबल कर दें, तब जाके ठीक है, तब भी जाके ये उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसका 10 गुना, 3, 20, 25 गुना करेंगे तब जाके कहीं उसके आसपास ही पहुंचेंगे। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा पानी है वो कहाँ पे है, ओशियन में है, लेकिन ओशियन का पानी आपको पता है दोस्तों हम पीने लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही साल्टी वाटर है। 2015 में दोस्तों रिसर्च हुआ था, अब 2021 का भी रिसर्च हुआ था। अब अर्थ क्रस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जो ऊपरी सतह हमारी होती है, ठीक है, जो धरती हो, जहाँ पे मिट्टी होता है, लगभग 30 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास होता है जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, इसकी बात हो रही है।
तो 2015 में जो रिसर्च हुआ था उसमें ये देखा गया कि लगभग 22 ठीक है, लगभग जो टोटल वाटर है ठीक है, सरफेस मिला के और हमारे मिला के अर्थ क्रस्ट सब मिला के जो टोटल वाटर है ठीक है जो पीने लायक है वो कितना है, लगभग 22.6 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास ये है ठीक है। अब इसमें से दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो ऊपर भाग है जो हमारे आसपास पानी देखते हैं तालाब में है जो नदी में है जिसको हम पीते हैं जो नॉर्मली यूज होता है वेपर में यूज होता है वो कितना है, लगभग 7 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास ये पानी यहाँ पे मौजूद है ठीक है। 2021 में जब रिसर्च हुआ तो 2021 में रिसर्च में यही माना गया कि हाँ ये जो पानी है जो हमारे मौजूद है अर्थ क्रस्ट में ऊपर ये पानी उतना ही है, लेकिन ये जो पानी मौजूद है हमारी धरती से सिर्फ 2 किलोमीटर आसपास नहीं है बल्कि जो पानी है लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। तो ये पूरा दोस्तों यहाँ पे लिखा जोखा है कि जो पानी है यहाँ पे फैला हुआ है। इसमें जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मिसिंग है, मिसिंग क्या है, जो वेपर है वो मिसिंग है क्योंकि वेपर भी तो अपने आप में पानी है लेकिन शायद उसे पानी के रूप में कंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन वो वेपर पानी के रूप में क्या होता है, रिसाइकल होता है और लोग उसे पीते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है, एक पानी है। और मुझे लगता है जैसे रिवर्स हुआ ये सब हुआ, पता है इसको जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंक्लूड नहीं की गई हैं। अब दोस्तों हम पानी की बात करें, हमें लगता है पानी कम है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये पानी बढ़ते जाएंगे और कुछ शहर तो ऐसे हैं जो गायब भी हो जाएंगे आने वाले कुछ वक्त में। अब दोस्तों मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ये फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आपको पता है आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, आपने देखा होगा आपको उतना आउटपुट नहीं मिलता है जितना आउटपुट आपको मिलना चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, जब उन्होंने रिसर्च किया, जो टॉप परफॉर्मर थे जैसे माइकल जॉर्डन, एडिसन, जैसे आप विराट कोहली को ले लीजिए, तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि ये जो टॉप परफॉर्मर होते हैं ये क्या होता है कि ये फ्लो की स्टेट में, जब ये पढ़ाई करते हैं तो फ्लो की स्टेट में चले जाते हैं और उसमें जाके ये पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं। और इन्होंने देखा कि उस फ्लो की स्टेट को कुछ टेक्निक के द्वारा, थेरेपीज के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा उसको हैक किया जा सकता है और एक आम इंसान के अंदर भी उतारा जा सकता है। और इसी फ्लो की थेरेपी को दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों हमने बात कर ली थी धरती में क्रस्ट में कितना पानी है, क्रस्ट के 10 किलोमीटर रेंज में कितना पानी है, ऊपर कितना पानी है, इसको भी हमने समझा ठीक है, जो कि पीने लायक माना जाता है। लेकिन अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जैसे ओशियन है, ओशियन में आपने देखा होगा कितना था, 1.3 बिलियन के आसपास वाटर वहाँ पे स्टोर था। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ जो ओशियन का डबल पानी कहीं और स्टोर है। अब सोचेंगे कहाँ पे स्टोर है, तो वो जो पानी स्टोर है हमारे धरती के ठीक है, जो कोर है और मेंटल के बीच में। अभी कुछ एक साल पहले ही की बात है ये रिसर्च हुआ था और ये रिसर्च में यही पाया गया कि एक बहुत बड़ा ओशियन है जो हमारी धरती के बीच में है, तो शायद वैज्ञानिक इसको नहीं जोड़ा था इसमें ठीक है। ये पानी कितना है, हमारी जो अर्थ है अगर आप देखेंगे, जो ये पानी है ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कोर है, यहाँ पे मेंटल है और इसी मेंटल के बीच में बहुत बड़ा ओशियन है जो कि लगभग 2 गुना ज़्यादा है हमारे ओशियन, नॉर्मल ओशियन से। तो ये इतना ज़्यादा पानी है जो कि यहाँ पे इकट्ठा है, यानी ये आप समझ सकते हैं कि हमें पहले ये लगता था कि हमारा जो कोर है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी है ठीक है दोस्तों। और पानी के बारे में रिसर्च करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो पीने लायक पानी है वो हाँ बहुत तेज़ी से वो नीचे जा रहा है, ग्राउंड लेवल उसका बहुत तेज़ी से घट रहा है ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था जो 2015 में रिसर्च हुआ था वो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में था, लेकिन वो 10 किलोमीटर क्यों गया, इसका रेंज कारण यही है कि जो ग्राउंड जो वाटर लेवल है बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसीलिए दोस्तों जो वैज्ञानिक है पानी को समझना चाहते हैं कितने मात्रा में पानी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो हमें पानी का अंदाजा होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा संकट पैदा ना हो, वरना कभी कभी आप देखेंगे कि इन्हीं सब चीजों की वजह से वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन भी पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।